हेलो एवरीवन, डाइटिशियन यामिनी आप सभी का वेलकम करती है माय हेल्दी डाइट क्लिनिक में। आज मेरा जो टॉपिक है आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला वो है थायराइड। और इसमें आज इस प्रेजेंट फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैं आपके साथ हाइपोथायरॉयडिज्म डिस्कस करूंगी, और जो सेकंड पार्ट है वो वीडियो का जिसमें मैं हाइपरथायरॉयडिज्म डिस्कस करूंगी। दोनों के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट डाइट्स प्रोवाइड की जाती हैं, इसलिए पार्ट वन इज फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। सबसे पहले बात कर लेते हैं थायराइड क्या होता है। थायराइड इज़ द नेम ऑफ द ग्लैंड जो बटरफ्लाई पियर बटरफ्लाई शेप में होता है, स्मॉल शेप में, वो यहाँ लोकेट करता है इन फ्रंट ऑफ नेक। इसका काम क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है, हमारे ब्रेन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मसल्स कंट्रोल के लिए, बोन कंट्रोल के लिए, ये सारी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी रेगुलेट होती हैं वो विद द हेल्प ऑफ थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड इज़ कनेक्टेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो ब्रेन के बेस में लोकेट होता है। तो थायराइड जो है थ्री टाइप के हार्मोन सिक्रिएट करता है। नंबर वन इज़ दी T3 जिसको ट्राई आइडोथायरोनिन भी कहते हैं, T4 दैट इज़ थायरोक्सिन, एंड थर्ड वन इज़ दी कैल्सिटोनिन। तो इतना छोटा सा जो ग्लैंड है थायराइड, इसका हेल्दी एक्टिव रहना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ अगर इसका सिक्रीशन कम या ज़्यादा हो जाता है तो वो बॉडी को अफेक्ट करता है इन डिफरेंट वेज़। अगर इसका सिक्रीशन जो नॉर्मल रेंज है इसके हार्मोन सिक्रीशन की वो 0.4 से लेके 4.0 होती है मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर ऑफ ब्लड। अगर इसकी रेंज ज़्यादा हो जाए, दैट मीन्स 4 से 5, 6, 7 इस तरह से ज़्यादा हो जाए, तो इसका थायराइड का सिक्रीशन कम हो जाता है और इसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, जब थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स का सिक्रीशन कम कर देता है। ऐसे ही अगर इसका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, ओवर एक्टिव हो जाता है थायराइड और इसमें रेंज जो है लो की तरफ चली जाती है। दैट मीन्स जो 0.4 है उससे और कम होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में जनरली आपने देखा होगा महिलाओं को जो पीरियड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, इसमें जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, ड्राई स्किन रहने लग जाती है, बाल ड्राई रहने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शाम होते होते तक फैटिक होनी शुरू हो जाती हैं, सामान रख के भूल गए, और कई बार क्या होता है इसमें वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर। तो इस केसेस में डिप्रेशन ये सब चीज़ें कॉमन हैं। तो हम हाइपोथायरॉयडिज्म में किस तरह की डाइट रिकमेंड करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थायरॉयड केस के अंदर तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। पहला, आपकी जो फिजिशियन आपको मेडिसिन दे रही है, जो आपको सुबह एम्प्टी स्टमक लेनी होती है। सेकेंड इज़ दी एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेट गेन होने के बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस रहते हैं थायराइड के अंदर, क्योंकि जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है, हम जो भी खा पी रहे होते हैं वो बॉडी के अंदर उतना इफेक्टिवली अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। इस वजह से जो भी कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है वो ग्लूकोज के में जब चेंज होता है तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द फैट। तो डिपॉजिशन होना शुरू हो जाता है, मेटाबोलाइट नहीं हो पाता वो इतनी जल्दी, इस वजह से इस तरह से वेट गेन की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। इट्स वेरी कॉमन इन हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसमें हमें किस तरह की डाइट लेनी है और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, तो चलिए वो हम जल्दी डिस्कस कर लेते हैं आपके आपसे। सबसे पहले सीरियल्स, सीरियल्स में क्या है, वीट और राइस। जनरली राइस में आप कोशिश करिए कि ब्राउन राइस और ब्लैक राइस वगैरह लें, और अगर मैं आटे की बात करूँ तो कोशिश करिए होल ग्रेन आटा लें, रिफाइंड आटा नहीं। इसमें ओट्स बेस्ट ऑप्शन रहता है, मिलेट्स आप ले सकते हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो बाजरा भी आप ले सकते हैं।
इसके अलावा आप होल ग्रेन आटा ही प्रेफर करिए, क्विनोआ बेस्ट रहेगा आपके लिए, दलिया खिचड़ी ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं अपने लिए। ब्राउन राइस खिचड़ी इज़ वेरी ऑसम। एक बार आप ब्राउन राइस खाना शुरू कर देंगे तो वाइट राइस ऑलमोस्ट आप भूल ही जाएंगे, क्योंकि ब्राउन राइस बहुत ज़्यादा शुरू में स्टिकी और थोड़े से उनका टेस्ट डिफर होता है, बट एक बार वो आप की हैबिट में आ जाते हैं तो इट्स वेरी न्यूट्रिशियस इन कंपैरिजन ऑफ वाइट राइस। इसके बाद हम दाल और पल्सेस की बात करते हैं। जनरली ये कहा जाता है कि दाल आर द गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन, बट डियर फ्रेंड्स, दाल इज आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल। तो आप अपनी दाल जो भी आप ले रहे हैं, जिसमें राजमा, चिक पीस वगैरह, लेग्यूम्स, पल्सेस आप ले सकते हैं। मूंग दाल इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि जो हमारे हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हार्मोन सिक्रीशन के लिए। तो कोशिश करिए अपनी डाइट में प्रोटीन ज़रूर ऐड करें आप। और इसके अलावा क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप, रेगुलेट अमाउंट में आयोडीन ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को नमक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और नमक भी आयोडीन रिच होना चाहिए, क्योंकि आयोडीन रिच जो सॉल्ट होता है, आयोडाइज्ड नमक जिसको हम कहते हैं, वो थायराइड ग्लैंड को इफ़ेक्टिवली काम करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो अपनी कोशिश करिए आप अपनी डाइट में नमक ज़रूर लें। इसके साथ साथ नट्स एंड ऑयल सीड्स की बात करें तो दे आर द गुड सोर्स ऑफ द ओमेगा 3। तो हैंडफुल ऑफ वॉलनट्स और जो और काजू, किशमिश, खजूर, डेट्स वगैरह जो हैं, आप ये सब ले सकते हैं, वेरी इफ़ेक्टिव रहते हैं। पीनट आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करिए लो फैट मिल्क लें, कर्ड लें। इसके अलावा योगर्ट आप ले सकते हैं। वन सर्विंग जो है वो 150 ml की होनी चाहिए, मिल्क की मैं बात कर रही हूँ। तो दिन में 2 से 3 आपने सर्विंग ज़रूर रखनी है मिल्क की, सो दैट कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी ना हो, और मिल्क जो है गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी होता है। इसके साथ साथ अगर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की बात करें तो WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो हमारे शरीर को 5 to 6 डिफरेंट कलर के वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की ज़रूरत रहती है पर डे। तो जिस तरह का हमारा लाइफ स्टाइल है, ईटिंग हैबिट्स हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज 5 to 6 टाइप्स के फ्रूट्स, तो उसमें वेजिटेबल्स, तो हम उसमें जनरली रिकमेंड करते हैं डिटॉक्स, स्टू, सूप वगैरह, क्योंकि सूप में भी 3 से 4 तरह के वेजिटेबल्स मिलके हम सूप बना सकते हैं। ऐसी हम डिटॉक्स जो रेकमेंड करते हैं उसमें भी 5 से 6 तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हेल्प से हम डिटॉक्स ले सकते हैं। स्टू वगैरह आप बना सकते हैं, तो सैलेड ले सकते हैं अपने लिए। इसके अलावा ग्रिल्ड वेजिटेबल्स भी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आप डिनर में ग्रिल्ड वेजिटेबल्स वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा फिश ऑयल इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव टू क्योर थायराइड काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। वन सर्विंग जनरली 100 ग्राम डेली होना चाहिए आपका फिश जो है, और फिश ऑयल इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी ऑल्सो। तो जिन महिलाओं को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है उनके लिए फिश ऑयल इज वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, मिनरलाइजेशन ऑफ दी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो ये एब्जॉर्प्शन एंड डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस करता है ऑन योर बोन्स, तो आपकी बोन्स स्ट्रांग होंगी और हार्ड होंगी। इसके अलावा मैंने आयोडाइज्ड सॉल्ट आपको बता ही दिया है। क्या चीज़ें इसमें जनरली आपको अवॉइड करनी है, आपको अवॉइड करना है गोइट्रोजेनिक फूड प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर क्रूसीफेरस फैमिली आ जाती है, ब्रोकली, कैबेज वगैरह आपने अवॉइड करना है, कॉलीफ्लावर आपने अवॉइड करना है। थायराइड में हाइपोथायरॉयडिज्म में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी होती हैं, क्योंकि गोइट्रोजेनिक जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो जनरली थायराइड को अंडर एक्टिव कर देते हैं, उसको इफ़ेक्टिवली काम नहीं करने देते हैं। इसके अलावा आप रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड को भी अवॉइड करिए, कन्फेक्शनरी और जो बेक्ड आइटम होते हैं, चॉकलेट वगैरह, ब्रेड वगैरह, उनको भी अवॉइड करने की कोशिश करिए। अल्कोहल, स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके साथ साथ आपने कॉफ़ी और टी का जो यूज़ है उसको भी लिमिटेड आपको करना होगा थायराइड के केस में। और इसके साथ साथ मैं अब यहाँ पे ब्रीफ करती हूँ छोटा सा एक डाइट प्लान।
सबसे पहले सुबह आपने उठते ही एम्प्टी स्टमक थायराइड की मेडिसिन लेनी है। उसके बाद आप अपना डिटॉक्स ले सकते हैं जो आपकी डाइटिशियन ने आपको स्पेसिफिकली दे रखा हो, जिसमें डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की हेल्प से उन्होंने डिटॉक्स आपको दे रखा हो। तो फेनुग्रीक वाटर आप ले सकते हैं, इसके अलावा आप जीरा वाटर ले सकते हैं, सिनेमन वाटर ले सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपने ब्रेकफास्ट में ओट्स लेना है, आप उपमा बना सकते हैं अपने लिए, आप दलिया बना सकते हैं खूब सारे वेजिटेबल्स डाल के, अपने लिए अच्छी सी खिचड़ी बना सकते हैं, इसको हेल्दी ब्रेकफास्ट कह सकते हैं आप। इसके बाद मिड मॉर्निंग में आप अपना टाइम रखिए 12 बजे तक, 12 बजे तक आपको कोशिश करनी है कि जितना हो सके फ्रूट ज़रूर लें आप 12 बजे तक, और साथ में ग्रीन टी वगैरह भी आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं लंच की बात करूं तो लंच में आप होल ग्रेन आटे की रोटी ले सकते हैं, 2 रोटी आप अपने आराम से सब्जी के साथ ले सकते हैं। कर्ड अगर आपको लेना है तो आप बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कर्ड लिमिटेड अमाउंट में आप हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में ले सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रिल्ड वेजिटेबल्स वगैरह ले सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हमें हाइपोथायरॉयडिज्म में सॉल्ट का इंटेक थोड़ा बढ़ाना होता है, मतलब कंट्रोल वे में हमें देना होता है सॉल्ट। तो गुड सोर्स में आप कर्ड हो गया, योगर्ट हो गया, मिल्क हो गया, तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में। हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए मैं डाइट आपको बाद में नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊँगी, बट अभी जो है हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करें जिसमें सिक्रीशन कम है थायरॉयड का, जिस वजह से वेट गेन वाली समस्याएं हो रही हैं, तो उसके लिए जो डाइट है वो मैं अभी बता रही हूँ। फिर आप लंच में अपने लिए बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, स्टू बनवा सकते हैं, सूप ले सकते हैं वेजिटेबल्स का। मिड इवनिंग में आप वॉलनट्स ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, साथ में हैंडफुल ऑफ नट्स वगैरह काफ़ी प्रेफरेबल रहता है मिड इवनिंग में, आप उस टाइम भी जूस पी सकते हैं, सूप ले सकते हैं। कोशिश करिए फ्रूट अपना मिड इवनिंग में रखें, और जो नट्स ऑयल सीड्स वगैरह हैं वो मिड इवनिंग में शिफ्ट कर दें। मिड मॉर्निंग में अपने लिए एप्पल वगैरह या फिर जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो रखें। डिनर आपने कोशिश करना है जितना लाइट से लाइट हो उतना अच्छा है, तो डिनर में आप ओट्स की खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं अपने लिए, अगेन आप सूप ले सकते हैं, आप होल ग्रेन रोटी भी ले सकते हैं दाल के साथ। और कोशिश करिए 50-50 वाला एक रूल आपने प्लेट में अपने फॉलो करना है, जिसमें 50% आपकी सैलेड होनी चाहिए और 50% आपका जो एक्चुअल मील है वो होना चाहिए। 50% सैलेड मीन्स जितना भी सीजनल, आजकल जैसे अब सर्दियां हैं तो बीट रूट आ रहा है मार्केट में, बीट रूट और हो गया, कुकुम्बर हो गया, कैरेट हो गया, इसका एक अच्छा सा रिच सैलेड बना के आप 50% प्लेट में वो रखिए, 50% में आपका रोटी सब्जी कर्ड वगैरह आना चाहिए। और कोशिश करिए सैलेड साथ में मील के साथ नहीं लें, पहले आप अपना सैलेड लें। सबसे पहले आपने डिटॉक्स लेना है, जो भी डिटॉक्स आपने दिन में सुबह बना के अपने लिए रखा है, मेथी दाने का अच्छा है इसके अंदर, आपने सपोज मेथी दाने का अगर डिटॉक्स बना के अपने लिए रखा है तो पहले डिटॉक्स लें, उसके 10 से 15 मिनट के ब्रेक के बाद आपने सैलेड लेना है, सैलेड का इनटेक करें, उसके साथ आप फिर अपना जो मील है अपना वो लें। उसके बाद आपने बैठना नहीं है, 10 से 15 मिनट की वॉक ज़रूर करें। जनरली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आप थोड़ा स्मार्टली इसको भी हैंडल कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को भी। हर मील के बाद 10 से 15 मिनट की, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक ज़रूर करिए, तो ओवरऑल आपका पूरे दिन के अंदर 30 से 45 मिनट्स का रेगुलर वॉक हो जाएगा, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। तो आपने अभी करना क्या है, आपने कोई भी मील लेने के बाद एकदम रेस्ट पोजीशन में नहीं जाना है, आपने हल्की फुल्की वॉक करनी है। उस टाइम आप अपने लिए लुकवार्म वाटर भी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं वॉक करते टाइम, थोड़ा सा आराम से अपना अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के आप वॉक ज़रूर करिए, इट्स गुड फॉर इन थायरॉयडिज्म। इसके साथ साथ बेड टाइम में आपने टर्मरिक टी ज़रूर लेनी है। टर्मरिक जो है ये आपके जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट करने में, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो आपने करना क्या है, एक गिलास गर्म
पानी के अंदर 1 टीस्पून टर्मरिक डाल लेनी है। आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं स्वाद के लिए, और साथ में आपने थोड़ा सा हनी डालना है 1/2 टीस्पून, और आपने सोने से पहले ये टर्मरिक टी अपने लिए पीनी है। टर्मरिक टी इज़ वेरी इफेक्टिव टू क्योर दिस थायरॉयड हाइपोथायरॉयडिज्म, तो टर्मरिक टी ज़रूर लेना ना भूलें, और साथ के साथ अपना हल्का फुल्का स्ट्रेस फ्री एटीट्यूड लें, घूमते फिरते रहें, रिलैक्स रहें, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, बालों का झड़ना, बाल ड्राई हो जाना, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने नेचुरल हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो हम इन 3 चीज़ों की हेल्प से हाइपो थायरॉयडिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। जो मैंने क्या क्या बताया आपको, पहला मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज ज़रूर करिए, 30-45 मिनट्स की रेगुलर वॉक करना, 15-15 मिनट्स के शॉर्ट के साथ आप कर सकते हैं। और सेकंड मैंने आपको बताया अपनी मेडिसिन, जो आपने सुबह एम्प्टी स्टमक जो आपको आपकी गायनी या फिर फिजिशियन दे रही है वो ज़रूर लीजिए, उसको डिसकंटिन्यू मत करिए। और बिल्कुल अपने मैंने कई बार देखा है कि पेशेंट्स अपनी मर्ज़ी से उसको रोक देते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसकी रेंज कम करके मार्केट से ले आते हैं, 50 mg नहीं लाए अब 100 mg ले, अपनी मर्ज़ी से मत लाइए, अपनी फिजिशियन से कंसल्ट करके ही मार्केट केमिस्ट से जाके खरीदिए, प्लीज़ इतना बड़ा रिस्क अपनी हेल्थ के साथ मत लीजिए आप। इसके अलावा थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द डाइट, डाइट अगर बैलेंस रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो आपकी मेडिसिन काम करेगी, और अगर आप मेडिसिन प्रॉपर ले रहे हैं तो आपकी डाइट इफेक्टफुल रहेगी। ये प्रिंसिपल रहता है हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में, तो कोशिश करिए बिल्कुल भी लेजी एटीट्यूड नहीं अपनाइए, और जो सिम्टम्स मैंने आपको अभी बताए थे अगर वो सिम्टम्स आप में दिख रहे हैं तो प्लीज़ एक बारी अपना थायराइड ज़रूर चेक कराइए, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म 3-4 वजहों से हो जाता है। एक है हाशिमोटो डिजीज़ के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसमें हमारे जो थायराइड जो है, हमारी जो बॉडी है वो इस तरह के एंटीबॉडीज़ बना रही है जो हमारे थायराइड को ही अफेक्ट कर रहे हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज़, हमारी बॉडी अपने आप को ही डिस्टॉर्ट करने लग जाती है, इसके रिज़ल्ट उस वक्त पता नहीं चलते हैं लेकिन काफ़ी सालों के बाद पता चलता है कि हम ऑटो इम्यून डिजीज़ से परेशान हो रहे थे। इसके अलावा दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि जब आप नमक का इंटेक कम कर देते हैं तो थायराइड अंडर एक्टिव हो जाता है। थर्ड रीज़न जनरली जो बहुत कॉमन है पोस्ट प्रेगनेंसी वाला, महिलाओं में पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद थायराइड जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जब वो अपना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे होते हैं, तो ये हार्मोनल चेंजेस होना इज़ वेरी नेचुरल। तो कोशिश करिए पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद 3-4 महीने के बाद अपना थायराइड चेकअप ज़रूर करवाइए। एक हेल्थी अवेयरनेस भी है ये कि हमें हर 6 महीने के बाद अपना फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, जिसमें थायराइड टेस्ट ज़रूर करवाई महिलाएं, क्योंकि पीरियड्स इररेगुलर हो जाते हैं और हमें लगता है कि ठीक है हम जस्ट अभी मॉम बने इस वजह से ऐसा हो रहा है, कि नहीं, बट कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये सब प्रॉब्लम हो जाती हैं। और एक स्मार्ट डिसीजन दैट इज़ हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट और मेडिसिन से आप ये प्रॉब्लम टाइम से अपना क्योर कर सकते हैं। तो आई विश मेरी ये वीडियो आपके काम आएगी, और मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है थायराइड का ही है वो भी, जिसमें मैं हाइपर थायराइडिज्म डिस्कस करूँगी विद इट्स सिम्टम्स और क्या डाइट उसमें हमें लेना चाहिए, सो दैट आप अपना ध्यान रख सकें, क्योंकि हम जब हेल्दी रहेंगे तो हम अपनी फैमिली को हेल्दी रख पाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर, और मेरी जो वीडियो है इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आप इसको यूज़फुल इंफॉर्मेटिव समझते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करना भी नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय।